ये अपना स्क्रिप्ट रेडी है क्योंकि आज से हम लोग मेनली वीडियो पे काम करेंगे, तो ये हमारा पोसादा शॉर्ट हाँ लोकेशन और इधर है, स्क्रिप्ट रेडी है। चल चल। नहीं भाभी के साइड जाना है हमको, इधर से चलना हाँ है हाँ इसमें भाभी को देखते हुए, जिस अभी जिस लहजे में आप चल रहे थे वही लहजा में आपको चलना है। कीप स्माइलिंग, ठीक है ठीक है। रेडी टू वन गो, मार ढेला। डायरेक्शन इनका है, मैनेजमेंट इनका है, काम हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैंडल जलाया गया है हमारे लिए, बस एक फील, वो एक मूड क्रिएट करने के लिए कैंडल लाइट डिनर। बाकी तो वो 110 वाट का बल्ब जल ही रहा है दोस्तों। लेकिन वो सारे के सारे फोर्ट के दीवारों में इस तरह के इन्विटेशन कार्ड बनाए दिए जाते हैं, और मैं भी चाहूँ तो मैं इस शादी में जाकर के खाना खा सकता हूँ और इन्जॉय कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट था यहाँ का, जो मुझे लगा आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए, तो वो मैंने अभी आपको बता दिया। तो आपको अभी वहाँ पे जैसलमेर फोर्ट पूरा दिख रहा होगा। तो जैसलमेर फोर्ट के अंदर ही उसी फोर्ट, वो इंडिया का अभी भी एक ऐसा फोर्ट है जहाँ पर लोग रहते हैं, अभी 5000 से ज़्यादा फैमिली रहती है उसके अंदर, और काफ़ी 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 बड़ा फोर्ट है, लोगों का घर है उसके अंदर, दुकान है, पूरा सब कुछ है। वाट एवर यू वॉन्ट एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर। तो हम लोग अभी जा रहे हैं गढ़ीसर लेक, देख लिया, पोहा खा लिया, और अब हम निकल रहे हैं अपने वो होटल जहाँ पे अभी हम लोगों ने रुका है, और अभी हम क्लाइंट को लेके आते हैं, जल्दी से शूट करके फोर्ट की ओर निकलते हैं और फिर फोर्ट में शूटिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बिना किसी देरी के चलते हैं सीधे शूटिंग मोड पे। सो हे गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, और समय हो रहा 10, मैं सोया था, ये लोग सारा सेटअप कर रहे थे, सूरज डिस्कशन हुआ कंप्लीट, इसे भी ही लेके चले, मैं दोस्तों लेके चल ही रहा है, क्या दिक्कत डिस्कशन तो? इसमें शॉर्ट थोड़ी दिखाओ, सर रेडी ले लो। हां सौरभ भैया रेडी, हां ये अपना स्क्रिप्ट रेडी है क्योंकि आज से हम लोग मेनली वीडियो पे काम करेंगे, तो ये हमारा पोसादा शॉर्ट लोकेशन और स्क्रिप्ट रेडी है। तो बाहर निकलो ना भैया, 500 दिखाओ सौरभ भैया, दोस्त साहब सौरभ भैया आपका नहीं वाईफाई होटल का मत भेजो। We are having other कुछ बोलने वाले नहीं है, गजब बेइज्जती है, आदमी ठीक नहीं है सौरभ भैया। क्या सागर जी नाश्ता कैसा लग रहा है आपको? दोस्त सब नाश्ता हो तो नमक नहीं है, दोस्त नमक नहीं है। I've never had anyone complete the words I say. You told me the one you're with can't make you feel this way. If the shoe fits, wear it. If there's no comparing, this is true love, I swear. And we need to make a choice right now. I know this could end in a catastrophe. लग गए सर, अरे बहुत धूप भाई, हम नजदीक आएंगे तो। एक नया चीज देखिए दोस्तों, इतना धूप है कि दो रुपए पहना दोस्तों। भैया बाद में खड़ा रहेंगे भैया, ठीक है। Remember we said with faith we tried to let this pass. And no matter how much we avoided, we would still cross paths. If the shoe fits, wear it. If there's no comparison.
हाउस आई एम लुकिंग इन दिस पिंक पिंक कैप. एक्चुअली मेरा नहीं है, मेरी मेकअप आर्टिस्ट फ्रेंड की है जो हमारे साथ आई हुई है. और ये यहाँ का हम लोग शूट कर रहे थे ये खूबसूरत से लोकेशन में. और यहाँ का लोकेशन ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, तो अब हम एक दूसरे एंगल से शूट करेंगे, देखते हैं उसको ही कंप्लीट करके फिर हम दूसरे जगह मूव करेंगे. तो सौरभ फुल फन है भैया, गो सम क्लोज. गो ये बेगारी बच्चों, ये बेगारी बच्चा रे, इससे गिम्बल बैलेंस नहीं हो रहा. और ये तो दिन भर फोन नहीं पड़ा रहता है, और ये दिन भर फोन में डुबा रहता है. ये गर्लफ्रेंड भी आ गई. कम भी आ गई. दोस्तों ब्लॉग के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि यहाँ जैसलमेर में एक भैया है हमारे, नहीं मतलब अब तो हमारे भी है वो सबके हैं एक्चुअली अभी फ़िलहाल तो जो जिनके साइड से ये सारा जैसलमेर का हमारा मैनेजमेंट था वो है मृत्युंजय भैया. मैंने इनसे फ़ोन पे भी बात करा था और ये आदमी और ये सब डायरेक्शन इनका है, मैनेजमेंट इनका है, काम हम कर रहे हैं. तो काफ़ी तगड़ा वाला यहाँ पे प्लानिंग के साथ सारा कुछ हो रहा है दोस्तों. हम सब के अंदर बियर भर के पी रहे हैं. मैं तो बोला कुछ पीना तो बताइए, मैं लेके आता हूँ, लेकिन यार मैं मना कर दी. तो यहाँ का जो हमारा शूट है गड़ीसर लेक का, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया. अब हम लोग फोर्ट की तरफ निकलेंगे, पहले लंच वंच कर ले. और काफ़ी अच्छा फोटोज़ और वीडियोस मिल आया है आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मिलेगा, आप तो देख ही सकते हो. बाकी भैया से हाय. हाय हाय. बड़ा डर डर के हाय कर रहे हैं. अरे हमारे ऑडियंस बहुत अच्छी है. तो आप नाम आपका? अलादीन भैया. और मृत्युंजय भैया. रेड बटन दबाने वाले. लो पीजा. नहीं पियेंगे हम. चीज़ चीज़ हमको एकदम पीने का मन है. हम खुद दी दिए बाहर कुछ आ रहे हैं. लगाओ लगाओ उसको लगाओ. दो दो मतलब सो मच बजट गाइस, बजट बहुत. तो अभी हम लोग देसी हांडी आए हुए हैं जैसलमेर में और लंच के लिए. लंच करते हैं फिर चलते हैं फोर्ट, वहाँ पे कुछ कैजुअल में शूट करते हैं. बिहाइंड द सीन्स आपको देखने को मिलता रहेगा. तो गाइस अभी हम लोग रेस्टोरेंट में बैठ चुके हैं, हमें हमारा टेबल मिल गया है. काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है यहाँ पे. एक चीज़ हमने देखा कि यहाँ पे पूरा हांडी आप ले सकते हैं, पूरा एक किलो का मटन और एक किलो का चिकन आप बनवा सकते हैं. हमारी प्लेट ही भी सज चुकी है. जब तक चिकन जो भी हमने ऑर्डर किया है, चिकन हमने ऑर्डर किया है एक्चुअली, तो तब तक हम लोग थोड़ा ग्रुप डिस्कशन कर लेते हैं कि आगे हम लोग कैसे फोर्ट में अभी आगे का जो शॉट है उसको कैसे कम्प्लीट करना है. उसका आप एक छोटा सा टाइम लैप्स एंजॉय करो. सो गाइज वेलकम टू द जैसलमेर फोर्ट. तो अभी हम जैसलमेर फोर्ट के अंदर हम अपने रूम में हैं. अभी हम 10 मिनट पहले ही आए थे, एक्चुअली बहुत ज़्यादा थक गया था इसलिए आपको हमारे चेहरे में थोड़ा सा फ्रेशनेस दिख रहा होगा. तो ये ऐसा जैसलमेर फोर्ट के अंदर हम लोगों ने जो रूम लिया था वो है, एक तो यहाँ पर हमारा टॉवल है, सागर इज गेटिंग रेडी गोपू, और यहाँ पर थोड़ा शीशा है. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज नहीं अब आने वाला है. लेट मी ओपन कि क्यों लोग जैसलमेर फोर्ट के अंदर रूम लेते हैं. ऑल दिस व्यू मैन, ओ हो द व्यू फ्रॉम आवर बालकनी, वाओ. सो यहां से हमारे रूम के बालकनी से पूरा फोर्ट का व्यू दिखता है हमारा. तो यही है, लेट मी सीट हियर ओवर हियर. और मैं बताता हूँ, अभी हम लोग चल रहे हैं शूट करने के लिए थोड़ा बहुत, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं था. शाम ढलने को आई है और यहाँ पर शाम थोड़ा लेट से ढलती है और दिन भी सुबह अभी 6:37 हो रहा है. हमारे झारखंड में अभी तक रात हो गया होगा और दुकानें बंद होने लगी होगी हमारे गाँव की. और अभी यहाँ पर धूप था थोड़ी देर पहले, बादल काफ़ी 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 अच्छे ऑर्गेजमिक दिख रहे हैं. और बस निकलते हैं स्ट्रीट पर, थोड़ा सा शूट बाकी है, शूट को कम्प्लीट करते हैं उसके बाद आपसे अपडेट.
कुछ बोलिएगा मत, ठीक है? लीजिए खोलिए इसको, इसको खोलना है ऐसे, रुक इसको ऐसे खोलना है, रुकिए 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 खोलिए, देखिए फिटनेस हो गया ना, हम मारे मारे ना मारे करंट मारता बा करंट मारा जा, फेंक हम वॉल फेंक देंगे, चल ऐसे ऐसे लाइटर जैसा जैसे इसको, हां और से अरे पूछ ने, हां टिक 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 बोल, एक हाथ से करेगा तब मजा है, मलने वाला चीज नहीं है दोस्त, अरे भाई बहुत है लो क्लोजअप लेना, बस क्लोजअप मेरी जिंदगी। तो गाइस रात में भी, एक्चुअली रात नहीं हुई है अभी, रात ही हो गई है क्योंकि अभी बजने ज़्यादा है, पता नहीं है 8:30-9 बज रहा होगा, और रात एक्चुअली अभी यहाँ अभी हुआ है, अब यहाँ पे वीडियो शूट हो रहा है सुबह। ये तेरी नरम सी धूप में अब से जहाँ ये मेरा सजाऊं, जरा सी बात पे जब हंसती है तू हंसती है मेरी जिंदगी। तो हम लोग का ये फोर्ट में नाइट फोटोग्राफी चालू हो चुका है दोस्तों, और ये रहा हमारे ठीक पीछे फोर्ट जहाँ पे हम लोग है, ऊपर का व्यू आप लोगों ने देख ही लिया है, नीचे से देखो सॉरी दोस्तों अंधेरा है, नाइट फोटोग्राफी चालू हो गया दोस्तों, लाइटमैन सागर और यार हमारे कपल। I've never had anyone complete the words I say. You told me the one you're with. लेट मी कम सब क्लोजर, सॉरी गाइज फॉर डार्क लाइक सिचुएशन, मैं थोड़े अभी डार्क लाइक एरिया में हूँ, टेंस में हूँ एक्चुअली। यहाँ पे हम लोग रूफ टॉप में डिनर करने हैं, सारे होटल के टॉप में ही डिनर होता है यहाँ पे रूफ टॉप, ठंड थोड़ी थोड़ी लगनी स्टार्ट हो गई है, सब लोग बैठे हुए हैं एंड यहाँ पे कैंडल जलाया गया है हमारे लिए, बस एक फील, वो एक मूड क्रिएट करने के लिए कैंडल लाइट डिनर, बाकी तो वो 110 वाट का बल्ब जल ही रहा है दोस्तों, वही सब मिक्स होता है भैया भैया। चीयर्स। चलिए आपका चीयर्स हमें कबूल है भैया। सो हियर इज आवर कैंडल लाइट डिनर रेडी ऑन द गाइस 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 जैसलमेर फोर्ट, और पीछे कृपया व्यू दिखाएं पहले। कलर वाला, कलर वाला, मोड मोड बटन, उल्टा घुमा उल्टा घुमा। तुझे मुझसे गुड मॉर्निंग फ्रॉम जैसलमेर, दिस इज आवर डे 3 एंड व्यू 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 गाइस व्यू। तो हम लोग आज सुबह सुबह बहुत 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 जल्दी सुबह सुबह उठ गए, और यहाँ जैसलमेर फोर्ट में आज रात में हम रुके थे एज यू नो गाइस, और यहाँ का जो व्यू है वो रूफ टॉप से हमारा ऐसा दिखता है। तो अभी सुबह उठने का जो कारण है, एक्चुअली सुबह नहीं है, हमारे झारखंड में अभी तक पूरा खिलखिलाता हुआ धूप निकल गया होगा, लेकिन यहाँ पे लेट से सुबह होती है और लेट से रात भी होती है, तो 7:30 बजे के बाद हमें सन दिखेगा। अभी 7 बज रहे हैं, अभी 6 बज रहा है, अभी 7 बज रहा है, तो 7 बज रहा, अभी लाइटें जल रही है अभी भी, मतलब अभी जैसे झारखंड में सुबह 4:30-5 बजता है ना, तो अभी 7 बज रहा है, तो सनराइज़ होने में टाइम है। अभी हम लोग सब कुछ सेटअप कर लिया है क्योंकि कुछ कुछ सनराइज़ का कुछ शॉट लेना है हमें, जो कि आपको दिख ही जाएगा हमारे इंस्टाग्राम पेज में, और कुछ शॉट्स भी लेने थे रूफटॉप वाले, वो भी अभी ख़त्म करके निकलते हैं डेजर्ट के लिए। तो तब तक आप बिहाइंड द सीन्स एंजॉय करो। I know this could end in a good
सनराइज वाला माहौल था जो हम लोगों को लेना था यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं गोपू बैठा है, लाइट वाइट ऑलमोस्ट सब कुछ हम लोगों ने सेट कर लिया है, ये सब फोटो देखिए ठीक है, एंबिएंट वगैरह वेरी नाइस। गोपू का फेस है यहाँ पे कपल इनका, एक्चुअली हम कुछ कुछ शूट किया टू गो फॉर डेजर्ट। और हमारा प्लान में थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, एक्चुअली हम लोग प्लान कर रहा था कि कल हम लोग कुलथरा विलेज और बड़ा बाग शूट करेंगे, लेकिन हमारे साथ जो मृत्युंजय भैया है जो यहाँ के लोकल आर्मी ऑफिसर है जो हमारे साथ अभी हमें लीड कर रहे हैं, हमें होस्ट कर रहे हैं, वो भैया के जो हमारे क्लाइंट हैं वो उनके जीजू लगते हैं शायद, तो उन्होंने बोला कि क्या बोलता है हम लोग कुलथरा विलेज अभी चलते हैं और बड़ा बाग भी करते हैं, क्योंकि तीन चार बजे से फिर हम लोग सैंड ड्यून में आराम से शूट करेंगे, और सैंड ड्यून में शूट करने के बाद फिर क्या गाइस कैसे हो, नाश्ता पानी किए कि नहीं, सैंड ड्यून में शूट करने के बाद फिर कल अपने पास जितना टाइम मिलेगा तो रेस्ट हम लोग शूट कर कंटिन्यू करेंगे। तो आज पूरा दिन शूट ही शूट है, तो अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं जैसलमेर फोर्ट से, और जैसलमेर फोर्ट से चेकआउट करने के बाद हमारी गाड़ी आ रही है, गाड़ी में बैठे हैं क्योंकि फोर्ट में गाड़ी हम खड़े नहीं रख सकते, तो फोर्ट के बाहर गाड़ी हमारा वेट कर रही है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेट है, एवरीबॉडी इज सेट गाइस। एक बार आज महाशिवरात्रि भी है गाइस, तो एक बार जोर से हर हर जय शिव शंकर जय शिव शंभू। तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं आपसे शूटिंग बोर्ड में, आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा इस वीडियो में। We know this could end in a catastrophe. But there's no other place I feel I should be. So guys, Jaisalmer Fort se ye ek amazing sa view tha जिसे हम लोगों ने मिस कर दिया था, अभी हम बस निकल ही रहे थे, तो जो मृत्युंजय भैया ने बोला कि भाई अभी अपने पास 10 मिनट का टाइम है, ये तोप देख लो। तो भैया डू यू नो हिस्ट्री अबाउट दिस तोप? बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं, कुछ कुछ तो लिखा होगा लेकिन समझ जाओ कि तोप है, देखो ठीक है, और सामने व्यू है काफ़ी अच्छा, लोग फोटोज़ ले रहे हैं, हमने कुछ फ़ोटोज़ लिया, वहाँ इंस्टाग्राम में आप जाके देखो, चेकआउट कर सकते हो, और काफ़ी 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 खूबसूरत एज यूजल जो कल से हम आपको दिखा रहे हैं वैसे यहाँ से व्यू है। Time to say bye to this beautiful, beautiful, beautiful room. The view was really awesome. So time to say bye, bye, and bye, 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 bye. और ये तोप का मजा लेने वाला हम निकल रहे हैं, हमारी गाड़ी आ चुकी है आगे फर्दर शूट के लिए, तो हम लोग जा रहे हैं कुलथरा और बड़ा बाग। गाइस ये जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली एक इनविटेशन कार्ड है, और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे मालूम चला कि ये इनविटेशन कार्ड सभी लोगों के लिए है, किसी को पर्सनली इनवाइट नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पे आप देखो रूपेश सिंह गोपाल सिंह मानसी जय गंगा परिवार का हार्दिक स्वागत करते हैं, गणपति बप्पा का एक फ़ोटो है, शुभ विवाह, और 11 दिसंबर 2020। सेम इसी तरह यहाँ पे एक बना हुआ है, और ये पूरा देखो ये कि हाँ आगे भी बना हुआ है, तो ये पूरा का पूरा सारे फोर्ट में इस तरह का इनविटेशन बना हुआ है, और यहाँ पे कोई भी बंदा जा कर के आप इस शादी में मज़े कर सकते हो, देखो एक वहाँ भी बना हुआ है, तो ये पूरे के पूरे फोर्ट के सारे दीवार में इस तरह के इनविटेशन कार्ड बना दिए जाते हैं। ये तो नहीं पता कि पर्सनली इनविटेशन कार्ड दिए जाते हैं कि नहीं दिए जाते हैं, लेकिन वो सारे के सारे फोर्ट के दीवारों में इस तरह के इनविटेशन कार्ड बनाए दिए जाते हैं, और मैं भी चाहूँ तो मैं इस शादी में जाकर के खाना खा सकता हूँ और इन्जॉय कर सकता हूँ,
तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट था यहाँ का जो मुझे लगा आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए, तो वो मैंने अभी आपको बता दिया। तो गाइज हम लोग वहाँ से निकले थे फोर्ट से जैसा कि आपने देखा, और वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आए थे बड़ा बाग, लेकिन बड़ा बाग के जो गार्ड हैं वो नौटंकी ज़्यादा कर रहे थे एक्चुअली वहाँ पे। उनका कहना था कि पैसे लगेंगे बहुत सारे दिस दैट, जिसके लिए हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थे, और पैसे लगते नहीं हैं अभी। वो बोल रहे हैं अभी पैसा लगता है, अभी ये होता है, अभी शूटिंग का परमिशन वैसे नहीं दे सकते हैं। सिर्फ पैसा देना ही बड़ा चीज़ नहीं था, आपको कहीं कहीं से डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क, तो इतना हमारे पास टाइम भी नहीं था। तो बड़ा बाग हम लोग अभी स्किप कर दिए हैं, और अभी हम लोग निकल गए कुलदेहरा की ओर, क्योंकि बड़ा बाग में जो लोकेशन है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी महाराजे का है, और उस टाइप का जो लोकेशन गड़ीसर लेक में भी हमें मिला था, हम ड्रेस चेंज करके वहाँ भी शूट कर सकते हैं या कोई और लोकेशन में। और अभी पहले हम लोग जा रहे हैं कुलदेहरा, कुलदेहरा में जाकर के सबसे पहले हम लोग के दिमाग में, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर में है कुलदेहरा विलेज, उसको पहले कवर करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सैम सैंड ड्यून जाते हैं, फिर वहाँ से अपना सैम सैंड ड्यून का जो हमारा मेन शूट है उसको कंटिन्यू करेंगे। बाकी अभी जो हम कुलदेहरा जाने का जो वे है, क्योंकि अभी हम फर्स्ट टाइम जब से अपने घर से निकले हैं झारखंड से, तब झारखंड में सॉरी राजस्थान में पहली बार ऑन रोड हम ट्रैवल कर रहे हैं, बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये जो लोकेशन है ना भाई साहब गजब, मतलब ये बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि हम इंडिया में। अब शायद इसलिए कि हम राजस्थान पहली बार आए हैं, क्योंकि हम सभी जो जो नहीं देखे हैं वो, और यहाँ पर एक चीज़ ना कि सबके घर वैसे ही बने, सब अपना घर जो है ना वैसा बना रहता है। अभी तो हम थोड़े से मतलब रूरल एरिया में आ गए हैं, जब थोड़े अर्बन साइड थे तो वहाँ पे सब जितने लोगों का घर था, घर का एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जो मेन गेट होता है ना उनका, वो इतना अच्छा डिज़ाइन कर रखते हैं ना। और बस अभी चलते हैं कुलदेहरा, आपको फिर वहाँ पर बिहाइंड द सीन्स वगैरह कुछ अपडेट करवाते हैं। चलो चलो, बाकी पूरा टीम हमारी इस गाड़ी में है, हमारे मृत्युंजय भैया आगे बैठे हुए हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं आप जानते हैं, और भैया एक गाड़ी और आगे है जिसमें भैया भाभी लोग और हमारे ग्रुप के और सदस्य लोग बैठे हुए हैं, और बाकी बच्चे तो बाकी चिल बाबा चिल चल रहा है हम सभी का पूरा, सब एक्साइटेड हैं, राजस्थान घूम रहे हैं, काफ़ी खुशी का लहर है हम सब बच्चों के अंदर। पहुँचते हो दादा, मिलते हैं आपसे भाई पे। अगर आपने हमारे इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया कमेंट में बताएं कि हमारा काम कैसा लगा आपको, और कृपया आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, हमारे मेन चैनल बैकलाइट पिक्चर फिल्म एंड फोटोज़ के को सब्सक्राइब करें, ताकि आप वहाँ पे हमारे मेन जो वर्क होते हैं उसको आप देख सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर लें, बैकलाइट पिक्चर्स 1 जो सामने स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। तो आगे के एपिसोड्स में आपको जोधपुर से जैसलमेर और जैसलमेर से जयपुर की जर्नी आपको देखने वाली है, जहाँ पे हम कड़ी धूप में रेगिस्तान में भी शूट करते हैं, तो ये सब का अनुभव हमारा काफ़ी अच्छा रहा है, तो इन सब चीज़ों को देखना ना भूलें। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे एपिसोड्स के लिंक आपको मिलेंगे, जाइए और इन्जॉय कीजिए हमारे राजस्थान के प्री वेडिंग मेकिंग सीरीज़ को।